अस्थायी मंदिर में बैठेला भगवान राम, तेमनु मनोहर रूप जेने जोईने आपणे भक्तिमय थई जईए छीए, आपणा आँखोमां आँसू आई जाय छे। तेमना मनोहर रूपनी सुंदरतामां और वधारो करे छे तेमना वस्त्रो। 1985 થી જે હાથોથી એ વસ્ત્રો બનાવવામાં આવે છે તે વ્યક્તિ પાસે આપણે પહોંચી ગયા છીએ। શંકરલાલ, આ વખતે તમના વસ્ત્રોમાં શું ખાસ છે? તમની પાસે જઈશું અને જાણીશું કે આખરે કેવા છે તમના આ વખતના વસ્ત્રો। શંકરલાલજી, इस बारी जो वस्त्र भगवान धारण करेंगे, क्या कुछ उनके वस्त्रों में खास रहेगा? जैसे पीला वस्त्र जो चारों भाई जो वहाँ विराजमान हैं, अब हम अभी तो उन्हीं का पोशाक हम लोग बनाए हैं। जो ठाकुर जी राम प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री द्वारा जो स्थापित किए जाएंगे, उनका सिर्फ हमें नाप मिला है। ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ नाप हमको मिला, लेकिन कपड़ा वहाँ से नहीं मिला। कपड़ा वैसे अगर हम बनाते तो लगभग इस पीले कलर में इस साइज का हम लोग कपड़ा बनाते, इस साइज में। ये साइज जी हाँ, इस साइज में जो वर्तमान में यहाँ प्रधान उनका स्थापना होगा 22 तारीख को, तो इस साइज में हम लोग पोशाक तैयार करते हैं। दुख तो हमको है ही है कि हम 85 से कार्यरत हैं और हम जब स्थापना का समय आया, अब हमारे प्रभु जी यानी ठाट से अब महल में जाने की तैयारी में है, लेकिन अभी समय अगर हमारे हाथ से जो स्थापना होगी वो मूर्ति तो हमारे पहन नहीं रहे हैं। लेकिन दुख तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो कम से कम पधारे जा रहे हैं। कितने कपड़े बनाए हैं उसमें भी इस तरह से चार भाइयों के लिए? हाँ, चार भाइयों का है, हनुमान जी का है, शालिग्राम भगवान का है, मतलब पूरे परिवार जितना शुरू से आज तक है वो सबका वहाँ बना है पोशाक। अब आगे पर्दा तो अभी कायदे से हम लोग नाम तो नए का मिला नहीं है, लेकिन जैसे हमारा पुराना जैसे हमारा वैकल्पिक मंदिर वाला जो बना है उस हिसाब से हम लोग बना दिए हैं। हमारे बच्चे या हम लोग जो भी कपड़ा पहनते हैं दूसरे दर्जी से हम बनवाते हैं खुद का पैसा दे करके। हमारे यहाँ केवल ठाकुर जी या साधु का चौबंदी, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते। तो ये हाथ बहुत नसीबदार है, ये हमारी भाग्य है। एक तो अयोध्या में पैदा हुए और सेवा मुझको ठाकुर जी का और साधु का संत का मिला, तो भगवान तो हम ही है। तो आपने बदलती अयोध्या को भी देखा होगा, क्योंकि जब ये बाबरी विध्वंस हुआ उसके पहले जो रमखान हुए सब कुछ आपने देखा आपकी आंखों से? सब देखा हमने, 30 अक्टूबर भी देखा, 2 नवंबर भी देखा, और 6 दिसंबर जब बाबरी विध्वंस हुई उस समय का भी हम लोगों ने दृश्य देखा, सब कुछ आंखों से देखा। हाँ, खुद वहां गए थे, 30 में भी गए थे, लेकिन गोली नहीं लेकिन लाठी तो जरूर खाए थे। गोली तो नहीं खाए लेकिन लाठी जरूर खाए थे। उससे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए और उनके समय में विध्वंस हुआ, उससे मतलब कलंक 500 वर्षों का कलंक हम लोग छुट्टी पा गए। और अब 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। खुशी तो हमें बहुत ही अति अब इतना खुशी कि जो हम जाहिर नहीं कर पा रहे। राम जब राम का काम करते हैं तो राम में तो हो ही जाते हैं। तो जैसे कल था वैसे आज है, चाहे वो बड़े राम जी बैठे या छोटे, राम तो राम है। तो आपे જોયા ને સાંભળ્યા નસીબદાર વ્યક્તિને કે જેઓ 1985 થી ભગવાન રામલલાના વસ્ત્રો સીવતા આવ્યા છે અને આજે પણ જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આવી પહોંચ્યો છે ત્યારે જે અસ્થાયી મંદિરમાં બિરાજમાન રામ ભગવાન છે તેમના વસ્ત્રો પણ તેમના હાથે જ બનાવવામાં આવ્યા છે। પીળા કલરના વસ્ત્રોમાં ભગવાન કેટલા સુશોભિત શોભતા હશે તે વિચારીને જ મન આનંદિત અને પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે। કેમેરામેન વિજય ખટીક સાથે નિધિ પટેલ, ઝી 24 કલાક, અયોધ્યા।